हेलो दोस्तों। हाँ दोस्तों, फिर से एक बार आपका भाई आपके लिए बहुत ही तगड़ा फीचर लेकर आया है। हाँ दोस्तों, आपने आईफोन 14 प्रो और 14 मैक्स के बारे में सुना ही होगा। हाँ मतलब अभी तो सभी ने सुना होगा, और आपने ये भी सुना होगा कि इसमें आपको डायनेमिक आइलैंड जो है वो ऑप्शन मिल जाता है नॉच में। मतलब काफ़ी जो है स्मूथ दिखता है इसका नॉच, ऐसा नहीं लगता है कि नॉच है। उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फीचर्स बिल्ड किए हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये जो डायनामिक आइलैंड फीचर है वो अपने स्मार्टफोन पर कैसे ला सकते हो। सारे मिलके हमको पागल बना रहे पॉसिबल है। हाँ मुझे भी पता है, आपको लगा होगा शायद कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं। मैंने भी इसको जब यूज़ किया इस फीचर को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, तभी मैं भी पागल हो गया था। तो अब भी पागल हो जाना तो कुर्सी की पेटी बांध लेना। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। और अभी हम लोग चलते अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। उससे पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, और शायद से किसी ने ये बताया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो चलते हैं, मैंने यहाँ पर फ़ोन ले लिया है मेरा, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से चालू करते हैं और आपको दिखा देता हूँ। और चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको सर्च करना है अपने प्ले स्टोर में जाकर डायनामिक, एक मिनट ऐसे टाइप करता हूँ, डायनामिक स्पोर्ट। तो डायनामिक स्पोर्ट करके आपको लिखना है, और ये लिखते हुए आप देख सकते हैं सबसे पहला आपको जो ऐप दिख रहा है, और काफ़ी ज़्यादा कम लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। तो हाँ, ये ऐप आपको इंस्टॉल करना है। तो काफ़ी छोटा ऐप है, सिर्फ 3 MB के लगभग है, और डाउनलोड हो जाने के बाद में आपको ओपन करना है वो ऐप। तो ओपन करते हैं, थोड़ी देर रुको, ठहरो। पता है मुझे आपको कि अंदर चूल हो गई है कि कैसे कैसे हो जाएगा ये। तो हाँ, तो अभी ओपन हो गया। तो ओपन होने के बाद में आपको ये जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे सबसे पहले। तो ये आपको एक एक करके अपने स्मार्टफोन में अनेबल करने हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट ऐप्स करने हैं, मतलब कौन कौन से ऐप्स आपको चाहिए जो आपको ऊपर ऐसे डायनामिक आइलैंड नॉच में नोटिफिकेशन के ज़रिए से चाहिए। तो नोटिफिकेशन आपको उसी में आ जाएगा, तो आपको ऐप सिलेक्ट करने हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इंस्टाग्राम को फ़िलहाल, तो फ़िलहाल के लिए स्पॉटिफाई को, और व्हाट्सएप को भी, और यूट्यूब को। चलो तो ये सिलेक्ट हो गए, पीछे जाते हैं। नोटिफिकेशन एक्सेस आपको देना है, मतलब इसके नोटिफिकेशन तो आपको आने चाहिए, वरना आपको ये नॉच में दिखेगा नहीं। तो सिंपली से आपको सेटिंग्स में जाना है और अलाउ कर देना है, और ड्रॉ ऑन स्क्रीन का जो ऑप्शन है उसको भी अनेबल करना है। तो ये जो नीचे दिख रहा ऑफ है, डायनामिक स्पोर्ट करके नीचे, तो इसको आपको ऑन करना है सिंपली से। हाँ, इसको सिलेक्ट करो और अलाउ करो। तो अभी जो है तीनों ऑप्शन सिलेक्ट हो गए। तो अभी आप देख सकते हैं ये कुछ इसका इंटरफेस है। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको अनेबल करना है, अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाता है। तो अनेबल करना है, और इसके पॉपअप सेटिंग्स में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले अलाउ टू पॉपअप्स, और हाँ इसका आप डायमेंशन साइज़ वगैरह भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऊपर हमको डायमेंशंस करके ऑप्शन दिख रहा है। इसके बाद में अलाउ टू पॉपअप्स, मतलब दो आप जो है एक साथ में ही दो नोटिफिकेशन आपको ऊपर देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी मैं अलाउ करता हूँ। स्वाइप टू क्लियर, मतलब आपको ये पसंद नहीं है और आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप स्वाइप करके उस नोटिफिकेशन को हटा सकते हैं। तो इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। और इसका जो आफ्टर दिस टाइम है, ये आप 5 सेकंड का कर सकते हैं, मतलब जो नोटिफिकेशन है आपका, जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा वो 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड आपको टाइमर यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 5 सेकंड, आप चाहे तो बढ़ा सकते हो, मतलब मैंने यहाँ पर 10 सेकंड किया है, आप 5 सेकंड कर लेना, 10 सेकंड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हाँ, अभी इसका यूज़ देखते हैं कैसे होता है, रुको। तो ऊपर देख सकते हो, मैंने इसको प्ले करके देखा, तो ये कुछ इस प्रकार आएगा। मेरा नॉच तो वन प्लस स्मार्टफोन में साइड में है, तो हाँ ये तो साइड वाले नॉच, जो भी जिसका भी स्मार्टफोन है जिसको कॉर्नर में जो है पंचोल डिस्प्ले, उनको तो ये आएगा नहीं। बाकी जिसका सामने नॉच है उनके तो मज़े ही मज़े हैं। तो मेरे दी का स्मार्टफोन है, उसको अभी जो है आपको दिखा दूंगा वीडियो, तो जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही है। तो हाँ, उसका भी आपको दिखा दूंगा कि उसमें कैसे दिखता है। तो फ़िलहाल अभी देखते हैं, मैं स्पॉटिफाई ओपन करता हूँ, और एक समझो ओपन कर दिया लाइक सॉन्ग्स, ऐसे मैं रैप बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। आपके क्या कौन से गाने पसंद है कमेंट करके ज़रूर से बताना, आपके मतलब आप कौन से गाने ज़्यादा सुनते हो। मैं टाइम पास चीज़ है, आप कमेंट करने में भी कुछ नहीं जाता, तो कमेंट कर देना। तो समझो मैं एक गाना यहाँ से प्ले कर देता हूँ। तो ऊपर आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पर दिख रहा है ऊपर नोटिफिकेशन में। तो इसको जो है आपको सिंपली से टैप करना है,
तो टैप करने के बाद में आप देख सकते हैं, ये देखो ये कुछ आईफोन की तरह आ रहा है। हाँ तो बिल्कुल डिट्टो है आईफोन की तरह, कोई भी चेंजेस नहीं है। मतलब जैसे आईफोन में मिलता है आपको आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में, वैसे आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। बस कॉर्नर में जो है नॉच वगैरह पंचुअल डिस्प्ले हो गया, तो वो कॉर्नर में आपका है तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन आप चाहिए तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने में क्या जाता है, तो हाँ आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिल जाएगा ऐसे नोटिफिकेशन, ऐसे देखो तो हाँ देखो तो ये चीज़ें आपको मिलेगी, तो चाहे तो यूज़ कर लेना। बाकी हाँ मैंने बता दिया, बताने का काम मैंने कर दिया और आपके लिए भी बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहा होगा। तो प्लीज़ यार इतनी मेहनत से चीज़ें ढूंढने के बाद में आपको बता देना और आपका भी इतनी उम्मीद से इस वीडियो को देखना, तो प्लीज़ उम्मीद से आए हो तो लाइक कर देना और सब भी दूसरों के हाथ में शेयर कर देना। आईफोन नहीं है आपके पास में तो आपका भाई ये टेंशन मत लेना, पूरे आईफोन के फीचर्स हम लोग डाल देंगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में और एंड्रॉयड फ़ोन को ही बना देंगे आईफोन, टेंशन मत लेना। तो ये फीचर एक मैंने आपको दिखा दिया अभी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ रुको रुको रुको, अभी मैं आपको DK फ़ोन का यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो चलो DK फ़ोन को देखते हैं कि कैसे यूज़ होता है। तो दोस्तों जैसे आप लोग देख सकते हैं, तो मैं आपको एक गाना ऑन करके दिखा देता हूँ, और ये मेरे डी का फ़ोन है तो इसी से मैं रिकॉर्ड करता हूँ मेरे वीडियोस वगैरह। तो जैसे ही मैं ये गाना प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ऊपर आपको जो है ऐसे नोटिफिकेशन आता है, मतलब आपको, मुझे तो अभी नोटिफिकेशन आया नहीं, तो किसी का भी अगर व्हाट्सएप का जो भी आप ऐप चाहे तो वो सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपको इस प्रकार नोटिफिकेशन आएगा। और हाँ मैं अभी समझो गाने पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो ये बिल्कुल आईफोन की तरह ही है, डिट्टो आपको वैसे ही फीचर मिल जाता है। तो ये फीचर आप ज़रूर से यूज़ कर लेना, ट्राई एक बार कर लेना और बहुत ही अच्छा फीचर है। तो हाँ यही चीज़ है। तो चलो मैं आपको मिलता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना हमेशा की तरह, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस, टेक केयर, बाय।